दोस्तों आज हम बात करेंगे रजनीकांत की फिल्म जेलर, अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 और सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बारे में। आपको बताएंगे इन तीनों फिल्मों का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा, कौन सी फिल्म मारेगी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बनेगा अपने पहले दिन ओपनिंग डे का बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपर स्टार, वही कौन सी फिल्म होगी हिट और कौन सी हो जाएगी फ्लॉप। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकॉन प्रेस कर दे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के बारे में। आपको बता दें OMG 2 फिल्म को लेकर अक्षय कुमार के साथ अक्षय कुमार के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं फिल्म में आपको अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी का भी काफी अच्छा रोल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फिल्म के स्क्रीन काउंट, बजट और फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो OMG 2 फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा। लेकिन अगर फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होकर अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर इस फिल्म से इस एपिसोड की दूसरी फिल्म रजनीकांत की जेलर की बात करें तो इस फिल्म में आपको रजनीकांत के साथ तमन्ना भाटिया और भी कई मल्टीस्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। वहीं जेलर फिल्म का बजट लगभग 225 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन अगर फिल्म की स्क्रीन काउंट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रजनीकांत की फिल्म जेलर को बॉक्स ऑफिस पर 3500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। वहीं फिल्म को लेकर काफी अच्छा क्रेज देखा जा रहा और साउथ में काफी जबरदस्त रजनीकांत की फैन फॉलोइंग होने की वजह से फिल्म अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 38 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग करेगी और हो सकता है फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा बड़ा धमाका करे। लेकिन अब बात कर लेते हैं सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बारे में। आपको बता दें गदर 2 फिल्म में आपको सनी देओल के साथ अमित शाह पटेल और उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं गदर 2 फिल्म का बजट भी लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन गदर 2 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा और फिल्म को लेकर सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जी आपको बता दें गदर 2 फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3350 से भी ज्यादा स्क्रीन मिली और इतनी जबरदस्त स्क्रीन पर रिलीज होने की वजह से फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग कर रही। तो दोस्तों पहले दिन के ओपनिंग कलेक्शन के मामले में तो साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर मारेगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, जिस वजह से रजनीकांत बनेंगे बॉक्स ऑफिस इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन आप इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, सनी देओल की फिल्म गदर 2 को, रजनीकांत की फिल्म जेलर को या अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को? और आप इन तीनों सुपरस्टार में से कौन से सुपरस्टार के सबसे बड़े फैन हैं, रजनीकांत के, अक्षय कुमार के या सनी देओल के? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताओ। डिसन आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।